सो लास्ट लेक्चर में हम वीडिंग देख रहे थे। वीडिंग वीड्स आर अ अनवांटेड प्लांट इन वांटेड प्लांट्स, ओके, जिसमें मैंने तुमको एक पॉइंट एक्सप्लेन की थी, न्यूसेंस ऑफ वीड, कंपटीशन, देन फोटोसिंथेसिस प्रॉब्लम, इल्ड, हर्बल डिसीज, ओके। नाउ आई एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग वीड, देर आर डिफरेंट मेथड्स लाइक फिजिकल मेथड, देन केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल है। तो फिजिकल वीडिंग, बेस्ट टाइम इज व्हेन द वीड्स आर यंग। ड्यूरिंग सीडलिंग स्टेज मोस्ट ऑफ वीड्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेड। टाइम इज वेन द वीड्स आर यंग स्टेज मोस्ट ऑफ डिस्ट्रक्टेड। लैंड वीडिंग हैज टू डू ओनली एट अ यंग स्टेज ओनली। ये फिजिकल है, फिजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विच बिकम इस्टैब्लिश, ओके। नंबर ऑफ वीडिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वीडिंग डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी विथ विच बिकम इस्टैब्लिश। कंट्रोल और अ वीडी साइड, केमिकल कंट्रोल को हम और क्या बोलेंगे, ऑल्सो वीडी साइड, केमिकल विच आर यूज टू कंट्रोल। वहाँ पे केमिकल यूज होता है जो कंट्रोल इट्स को, ग्रोइंग ऑफ इट्स। तो दीज आर केमिकल कंपाउंड विच आर यूज टू कंट्रोल वीड्स एंड ऑफ टू ग्रुप्स। केमिकल कंट्रोल के दो ग्रुप्स है, इज अ सिलेक्टिव वीडिसाइड एंड अदर इज अ नॉन सिलेक्टिव वीडिसाइड। तो सिलेक्टिव वीडिसाइड कौन से है? सिलेक्टिव वीडिसाइड विच आर दे, सो 2,4-D, टेजिस, फैलिक एसिड्स, दीज आर दे सिलेक्टिव वीडिसाइड्स जो केमिकल कंट्रोल्स में आते हैं। देन नॉन सिलेक्टिव वीडिसाइड्स लाइक बोरैक्स, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा आर द नॉन सिलेक्टिव वीडिसाइड्स। देन मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एप्लीकेशन प्री प्लांटिंग है, प्री प्लांटिंग, देन प्री एमरजेंसीज, देन पोस्ट एमरजेंसीज। प्री एमरजेंसीज और पोस्ट एमरजेंसीज, दिस इज टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ हर्बिसाइड किल वीड्स बिफोर दे स्प्रॉट वाइल द वॉन्ट प्रिवेंट जर्मिनेशन। दे डू कीप द पेस्ट फ्रॉम सॉइल एक्टिवली ग्रोइंग वीड्स दैट आर ऑलरेडी थ्रू द सॉइल सर्फेस, ओके। देन बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल एलिमिनेशन ऑफ वीड्स बाई यूजिंग यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। एलिमिनेशन ऑफ वीड्स बाई यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे नहीं हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एलिमिनेशन ऑफ वीड्स बाई यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैसे हमने केमिकल कंट्रोल में देखे वीडी साइट्स, वीडी साइड्स में क्या यूज हो रहा है, सिलेक्टिव वीडी साइड और अ नॉन सिलेक्टिव वीडी साइड्स है, यानी केमिकल यूज हो रहा है। एज इट इज हियर बायोलॉजिकल कंट्रोल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। एलिमिनेशन ऑफ वीड बाय यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज अ बायो वीडी साइड्स, ओके, कॉल्ड एज अ बायो वीडी साइड। लाइक अ लेमना, लेमना इज अ जीनस, ओके, जीनस ऑफ फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट। लेमना क्या है, जीनस है ऑफ एरेसी फैमिली से बिलोंग करता है।
लैमना इज अ जीनस ऑफ फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट, कॉमन नेम उसका डकवीड्स है. ओके, डकवीड है उसका कॉमन नेम, और एरेसी फैमिली से बिलोंग करता है लैमना. देन कैक्टोब्लास्टिस, वहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट करना है, वहाँ पे कैक्टोब्लिस्टिस लिखा हुआ है, बट करेक्ट इज द कैक्टोब्लास्ट. इंसेक्ट कैक्टाई अपोन्शिया, द मोर एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड. ओके, ये भी एरेसी फैमिली से बिलोंग करता है. कैक्टोब्लास्टिस इंसेक्ट कंट्रोल, या जो एग्जाम्पल किसकी है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द कैक्टस मॉथ, कैक्टोब्लास्टिस इंसेक्ट. देन जाइगोग्रामा इंसेक्ट कंट्रोल पार्थेनियम, पार्थेनियम इज अ प्लांट, पार्थेनियम क्या है, प्लांट है, उसके लिए कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं, जाइगोग्रामा इंसेक्ट. ओके, ये बिलोंग करता है एस्ट्रेसी फैमिली से. देन हाइपरबेटोग्राम वर्म कंट्रोल, वर्म कंट्रोल, वहाँ पे भी स्पेलिंग करेक्ट करनी है उसकी. कंट्रोल अल्टरनेंथ्रा, ALTERNANTHRA, अल्टरनेट जीनस ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट एंड फैमिली इज अ एमेरेंथेसी. ओके, हाइपर वेटोग्राम वर्म कंट्रोल अल्टरनेंथ, जिस जीनस है फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो दीज आर द बायोलॉजिकल देन मेरिट्स ऑफ बायोवीडिसाइड. एनीवन नोस व्हाट इज बायोवीडिसाइड, क्या होते हैं बायोवीडिसाइड्स? बायोवीडिसाइड्स आर एन अल्टरनेशन टू हार्मफुल एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स. ओके, बायोवीडिसाइड्स क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू हार्मफुल एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स. वीड किलर्स, ओके, वीड किलर्स बायोवीडिसाइड्स, इट यूजेस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, माइट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स टू किल वीड्स. किसके यूज किसके लिए करते हैं, वीड्स. ओके, सो बायोवेडिसाइड्स आर द फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू हार्मफुल एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स. इट यूजेस वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, माइट्स एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट टू किल वीड्स और इंसेक्ट. मेरिट्स ऑफ बायोवेडिसाइड्स, नॉन टॉक्सिक टू इन्वायरमेंट. मेरिट्स क्या है उसके, एडवांटेजेस ऑफ नॉन टॉक्सिक टू इन्वायरमेंट, नॉन नो पॉल्यूशन, चीप एंड नेचुरल. ओके, नॉन डेंजरस टू हैंडल, सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ बायोवीडिसाइड्स. देन यूजेस और बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स, यूज क्या हो सकते हैं उसके, यूजेस क्या हो सकते हैं बोलो. सम वीड्स आर ईटन बाय मैन एज ए फूड, एग्जाम्पल वॉटर लीफ, एग्जाम्पल क्या है, वॉटर लीफ. सो सम वीड्स आर ईटन बाय मैन एज ए फूड, एग्जाम्पल वॉटर लीफ. देन दीज आर द यूजेस ऑफ वीड्स. ओके, सो देन सम वीड्स आर सर्व एज ए फीड फॉर फार्म एनिमल्स, एग्जाम्पल गोनिया एंड एलिफेंट ग्रासेस. सो सम वीड्स आर सर्व एज ए फीड फॉर फार्म एनिमल्स.
ये भी उसका एक यूज है. देन सम वीड्स आर मेडिसिनल एंड यूज इन क्योरिंग डिसीजेस. मेडिसिनल यूज होते हैं वीड्स के. सो सम वीड्स आर मेडिसिनल एंड यूज इन क्योरिंग डिसीज. एंड नेक्स्ट एग्जाम यूजेस वीड्स आर कट एंड सर्व एज ए मल्चिंग मटेरियल्स. मल्चिंग मटेरियल्स के लिए भी वीड्स यूज होता है. ओके okay? देन डेड वीड्स डीके एंड रिलीज न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. जो डेड वीड्स होते हैं डीके एंड रिलीज न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. सॉइल को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है. देन वीड्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग इरोजन. दीज आर द यूजेस ऑफ वीड्स. ओके समझ में आया. मेडिसिनल यूज होता है उसका. देन सर्व एज ए मल्चिंग मटेरियल. देन न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है सॉइल को एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग इरोजन. दीज आर द यूजेस.